मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज एक यूनिक और एक सिंपल सा वीडियो लेकर आए हैं। ये एक एक्सेल की शीट है हमारे पास। इसमें आप एक ये टेबल देख रहे होंगे, नेम है लिखा है, यहाँ मंथ्स लिखे हैं, ये नेम है, और ये जनवरी फरवरी मार्च की सेल्स है, यहाँ टोटल आ रहा है। अब दोस्तों, कई बार जब हम एक टेबल बनाते हैं तो हम ये आप लोगों ने देखा होगा एक्सेल की एक ये समस्या है कि यहाँ पर जो है अंडू बहुत ज़्यादा स्टेप्स तक नहीं होता है, एक या दो स्टेप तक ही अंडू होता है। और जब मान लीजिए हमसे कोई गलती से ऐसा बटन कोई प्रेस हो जाता है या हम चाहते हैं कि इसको कोई भी चेंज ना कर सके इस पार्ट को, और इसे नॉन एडिटेबल हमें बनाना है, कोई भी इसको एडिट ना कर सके, इसको लॉक कर देना है, तो वो किस तरीके से किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये पूरा पार्ट जो है लॉक रहे, और जिस पार्ट में एडिट होना है जनवरी फरवरी मार्च में, जिस पार्ट में मुझे देखिए मैं एडिट करूँगा, तो नीचे आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है उस फॉर्मूले में ये भी चेंज हो जाएंगे नंबर्स, तो इतना पार्ट जो है नॉन एडिटेबल रहे और बाकी का पार्ट जो है हमारा पूरा यहाँ से लॉक कर दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको इस पूरी शीट को, राइट क्लिक करके आपको आना है फॉर्मेट सेल्स पर। फॉर्मेट सेल्स पर आने के बाद आपको इस तरीके की विंडो दिखाई देगी, आपको यहाँ जाना है प्रोटेक्शन पर। प्रोटेक्शन पर जाने के बाद आपको ये कर देना है लॉक्ड, बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में भी ये लॉक रहेगा, और हम ये कर देंगे यहाँ से इसको ओके। ये हमने इसको लॉक कर दिया है। अब हम इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसको हम लॉक करना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि चीज़ें एडिट होंगी आगे चलकर भी, तो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स पर जाकर मैं प्रोटेक्शन में जाने के बाद इस लॉक को यहाँ से अनचेक कर दूंगा, और अनचेक करने के बाद मैं यहाँ इसको ओके कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया है। अब अभी भी ये हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, देखिए आप मार्च में जाएंगे ये एडिट हो रहा है, तो हमें आगे करना क्या है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जाना है यहाँ रिव्यू पर। आप रिव्यू का ऑप्शन देख पा रहे होंगे ऊपर, रिव्यू का ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ लिखा आ रहा है प्रोटेक्ट शीट। यहाँ दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इस प्रोटेक्ट शीट में, लेकिन आज जो हमारा मेन मकसद है हम सिर्फ उस पर ही काम करेंगे। प्रोटेक्ट शीट पर जाने के बाद दोस्तों देखिए दो चेक बॉक्स ऑलरेडी क्लिक होकर आ रहे हैं, जिसमें लिखा है सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। इसको जब आप ओके कर देंगे, आप यहां से प्रोटेक्शन लगा देंगे शीट पर, तो दो चीज़ें यहां से जो है सेल में एक्टिव हो जाएंगी, एक जो आपने टोटल लॉक किया है और एक जो आपने अनलॉक रखा है। मैं यहां से इसको कर रहा हूं ओके। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ओके कर दिया है, यहां अनप्रोटेक्ट का सिंबल आ गया है, मतलब अब प्रोटेक्ट हो गया है। अब देखिए, मैं जैसे ही नेम पर कुछ भी एडिट करूँगा तो मुझे एक मैसेज दिखाई देगा कि ये नॉन एडिटेबल है और आप यहाँ से इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप देखिए जनवरी में जाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, अब ये एडिट नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा कब मिलता है, जब आप गलती से कोई की प्रेस कर देते हैं या कोई और काम कर रहा होता है और आप चाहते हैं कि ये चेंज ना हो और ये अब यहाँ से एडिट नहीं होगा। एडिट क्या होगा दोस्तों, सिर्फ ये वाला हिस्सा जिसमें आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए मार्च में सेल्स चेंज हो गई है, 300 हो गई है, ये देखिए एडिट हो जाएगा, और आपका सम का फॉर्मूला आप हाथ से तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है, ये देखिए फरवरी में हम इसको चेंज करते हैं तो ये यहाँ से चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी शानदार ये ऑप्शन है एक्सेल में। इस पूरी टेबल को लॉक कर दिया गया है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ से, आप सिर्फ जो है ये जो एडिटेबल हिस्सा है सिर्फ इसमें ही आप नंबर्स को चेंज कर पाएंगे और नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों आपको, सिंपल सा ट्रिक था, आपको यहाँ सेलेक्ट करना था, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आपको जो है अभी यहाँ फॉर्मेट सेल नहीं लगेगा क्योंकि हमें रिव्यू पर जाकर इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया है। अब आप यहां सेलेक्ट करके देख सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पर जाएंगे, और प्रोटेक्शन पर जाने के बाद आप इसको टोटल करने वाले हैं लॉक। इसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है इस पर जाएं, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पर जाएंगे, और प्रोटेक्शन पर जाने के बाद इसको कर देंगे अनलॉक और कर देंगे ओके। अब यहाँ से आपको प्रोटेक्ट करना है शीट, ये दो चेक बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, अगर ये चेक ना हो तो आप अपने हाथ से खुद इसको चेक कर सकते हैं और कर देंगे ओके। अब दोस्तों ये सीन जो है देखिए, ये एडिट नहीं होगा, एडिट होगा अकेला ये नंबर, और ये आपकी टेबल पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर हो गई है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी ट्रिक और ये टिप जो है पसंद आई होगी एक्सेल की। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।